दिल्ली में अंजलि की मौत ने जहां पूरे देश को हिला दिया, तो वहीं आज दिल्ली में सदन की तस्वीरों से लोकतंत्र शर्मसार हो गया। आज मेयर के चुनाव के दौरान दिल्ली में जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई। हालत यह हो गई कि सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा, तो वहीं मेयर के चुनाव को भी टाल दिया गया। ये तस्वीर उस लोकतंत्र के मंदिर की है जहां जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। चुनाव जीतकर माननीय तो बन गए, लेकिन माननीय जैसा व्यवहार नजर नहीं आया। कोई कुर्सी से सिर फोड़ने पर आमादा है, कोई धक्का मुक्की और घूसा लात चला रहा है, टेबल पर चढ़कर हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिल्ली की है जहां मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता मारपीट पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन माननीय टस से मस नहीं हो रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हंगामा करने का आरोप लगाने लगे। बदतमीज है, शायद मुझे ऐसा लगता है वो शराब पी के आए हैं। आज हम यहाँ शांतिपूर्वक अपना शपथ लेने के लिए आए थे। ये केजरीवाल ने ऐसे समझा के भेजे हैं कि जैसा मैं करता हूँ ऐसे आप लोग करना सदन में जाके। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी चौखट को हाथ जोड़ के नमन करते हैं और ये केजरीवाल के नुमाइंदे एक अपने हाथ में क्या लेके आए नुकीली चीजें, अगर बीजेपी को जाके उनको शपथ नहीं लेने देंगे। ये तो बीजेपी ने किया है ना, मैंने तो किसी को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो सिर्फ ये बात रखी थी कि आप हमारा पहला अधिकार है, हम लोग इलेक्टेड होके आए हैं, चुन के आए हैं, हमारी पहले आप शपथ दिलाइए, एल्डरमैन की शपथ उसके बाद आप दिला सकते हैं। उसके ऊपर उन्होंने सारे एल्डरमैन जबरन तरीके से इकट्ठे होके उन्होंने सबने एकदम मेरे ऊपर हमला किया, और जो मेमेंटो होता है जिसे शपथ लेते हैं वो मेरे को मारने की कोशिश की, उसके ऊपर सर पे भी लग सकता था। सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलाने शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया, जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गया। की कार्रवाई के दौरान एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरीके से कागज जो है वो फेंके गए हैं, टेबलों को जो है वो तोड़ा गया है। ये सदन की एक तस्वीर देखिए, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई के दौरान जो है वो जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में जो टेबले हैं उस पर यहाँ पर पार्षद जो है वो चढ़ गए, तोड़फोड़ हुई है जमकर। कई सारे पार्षदों के हाथों पर चोटें जो है वो आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबलों का ये हाल, आप देखें कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो टेबलें थी उन पर पार्षद चढ़ गए, जमकर तोड़फोड़ जो है वो हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों की शपथ पहले नहीं होती है, ऐसे में बीजेपी परंपरा बदल रही है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को नियमों की जानकारी ना होने का हवाला दे रही है। भी यहां नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ कराई नहीं गई, हंगामा क्या कर रहे थे भाई? जो चुने हुए पार्षद हैं शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए। आप जो हमेशा से परंपरा रही है, ये नॉमिनेटेड जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है। बहुत खराब दृश्य देखा, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी दिखी, ब्लेड लेके आए हैं, ब्लेड मारा, माइक तोड़ दिया, जो अधिकारी थे उनको मारने की कोशिश किया। अरविंद केजरीवाल आप चुनाव से इतना डर गए, बहुमत में होते हुए डर गए। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी अपने ही पार्षदों को बिकाऊ बता रहे हैं, ये कमाल है। आम आदमी पार्टी जहां अपने पार्षदों के जख्मी होने की बात कर रही है, तो बीजेपी महिलाओं पर हमले का इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। आप इतनी औरतों के बारे में न्यू ईयर ईव पे बात करी, काय स्वाति मालीवाल आए, अब तीन काउंसलर्स को उन्हीं के लो विधायकों ने पीटा है, करवाए FIR दर्ज, क्यों
होगी स्वाति मालीवाल, DCW है ना, दिल्ली की है ना, तो करवाएं आप काम। अब देखने वाली बात सबसे ये है कि अरविंद केजरीवाल आप बहुमत में हैं, आपको किस बात का डर है? आपने लीगल प्रोसेस क्यों नहीं चालू होने दिया? आपका ये कौन सा गलत है कि अगर नॉमिनेटेड इलेक्टेड जो काउंसिलर्स है वो सबसे पहले अगर यहाँ पर सबसे पहले पार्षद बनने की वहाँ पे अपना नॉमिनेशन दे या अपने आप को नॉमिनेट करें तो इसका क्या गलत है? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे हैं, लफंगे हैं, बदतमीज हैं, ये सबको पता है। सबसे पहले गैर कानूनी गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पीठासीन अधिकारी को बनाते हैं, फिर गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पार्षदों को नॉमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद गैर संवैधानिक प्रक्रिया से DMC एक्ट के अगेंस्ट जाते हुए पहले उनकी शपथ कराते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? BJP का आरोप है कि आम आदमी पार्टी बहुमत होने के बावजूद डरी हुई है, उसे अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। दरअसल हंगामे के बीच सदन को स्थगित करना पड़ा, वहीं मेयर चुनाव को टाल दिया गया। आज तक के